तब मुझे वहां एक आदमी बैठा दिखाई देता है जो सब्जियां बेच रहा है, जो चमक रहा है। वो बस मुझे देखता है, हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, हम एक टक एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो जोर से हंस पड़ता है, मैं भी हंसा। फिर वो मुझे अपनी कहानी सुनाता है। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसान को पता नहीं है। यदि आप इसके प्रति सचेत हो जाते हैं तो जीवित होने की सभी जबरदस्त संभावनाएं आपकी हो जाएंगी। आपको एक ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। मैं चाहता हूं कि आप इसका अर्थ समझें। ह्यूमन बीइंग होने का मतलब है, ये नहीं है कि आप दौड़ना जानते हैं, न कि ये कि आप जानते हैं कि कैसे कूदना है, न कि ये कि आप जीवन में सर्कस करना जानते हैं। आप जानते हैं कि कैसे हुआ जाए। अरे, ह्यूमन बीइंग का अर्थ है कि आप जानते हैं कि कैसे होना चाहिए। दुर्भाग्य से अभी ये एक ऐसी बात है जो आप नहीं जानते। अब अगर आपको ऐसा बनना है तो हमें कुछ बुनियादी बातों पर उतरना होगा। आप नश्वर हैं या अमर हैं? नहीं नहीं नहीं, इसे देखिए और मुझे बताइए, आप नश्वर हैं या अमर हैं? वास्तव में मुझे बताइए। ओ, इसका मतलब है कि आप कह रहे हैं कि आप एक दिन मर जाएंगे। ठीक है ठीक है, आप एक दिन मर जाएंगे। मैं आपको लंबी उम्र का आशीर्वाद दूंगा, लेकिन वैसे भी आप आशीर्वाद समेत मर जाएंगे, क्योंकि यही जीवन का स्वरूप है, इसे खत्म होना है ना? और मुझे कितनी खुशी है कि आप मर जाएंगे, क्योंकि यदि आप हमेशा के लिए रहते हैं तो ये बहुत परेशानी होगी, क्या ऐसा नहीं है? थोड़ा सा समय हासिल होने पर हम कितनी गड़बड़ कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप मरेंगे नहीं, ओफ, पूरी तरह से गड़बड़ झाला है ना? तो मरना अच्छा है। हेलो, क्या मरना अच्छा है? उचित समय पर, आज नहीं, एक उपयुक्त समय पर, क्या हम सभी के लिए मर जाना अच्छा है? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इंसान को पता नहीं है। अगर वे सिर्फ अपनी नश्वरता को शान से संभालना सीख जाते हैं तो जीवन जबरदस्त तरीके से सामने आता है। अभी हां सदगुरु, लेकिन मेरा हॉरोस्कोप कहता है कि मैं 90 साल तक जीवित रहूंगा। आपका हॉरोस्कोप कुछ भी कह सकता है, यहां तक कि आपका हॉरोस्कोप लिखने वाला व्यक्ति की भी मृत्यु हो सकती है इससे पहले कि उसका हॉरोस्कोप ऐसा कहे। एकमात्र कारण, इकलौता कारण जिसकी वजह से आप समझदारी से व्यवहार करते हैं, क्योंकि आप नश्वर हैं। हाँ या ना? अगर आप अमर हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे? हे भगवान, जब आप कोलकाता में गाड़ी चला रहे होते हैं तो कुछ अमर लोग सड़क पार करते हैं, आपने उन्हें देखा है ना? वे अमर हैं। अगर कोई वाहन उन्हें छूता है तो इससे जबरदस्त दर्द होता है और मृत्यु भी हो सकती है। इसके बावजूद कई लोग उसी तरह से वो सब कर रहे हैं जैसा वे चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर आपने उस व्यक्ति को अमर बना दिया, अत्याचार और बर्बरता का स्तर जो इस दुनिया में होगा, तो एकलौता कारण जिसकी वजह से बहुत सारे लोग समझदारी भरा व्यवहार कर रहे हैं वो नश्वरता है। क्या आपने किसी दोस्त को, या हो सकता है कि आप ही हों, पूरी तरह से अचानक आपके डॉक्टर ने आपको बताया कि ऐसा लगता है कि आपकी किडनी या आपका दिल जा रहा है, शायद आपके पास, अगर आपने इसे ठीक नहीं किया तो शायद आप 6 महीने में मर जाएंगे। अचानक आप देखते हैं कि वे कितने अनुशासित हो गए हैं। वे सुबह उठते हैं, योग करते हैं, सही चीजें खाते हैं, सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से करने लगते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है? पूरा जीवन रूपांतरित हो गया। सिंपली बिकॉज दे वर रिमाइंडेड ऑफ मोर्टैलिटी। केवल इसलिए कि उन्हें नश्वरता की याद दिलाई गई। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कई साल पहले हुआ था। मैं बैंगलोर शहर में हूँ, मुझे सब्जी मंडी जाना पसंद है।
अगर मैं किसी इलाके से गुजर रहा हूं और मुझे एक सब्जी वाला दिख जाता है जो एक साप्ताहिक हाट बाजार के लिए जा रहा है, मैं रुक जाऊंगा और चलकर वहां जाता हूं। मैं चिकन से लेकर अंडे तक, सब्जियों से लेकर उस जड़ जो आपको अदृश्य बना देगा तक, सभी चीजों का मोल भाव करूंगा, सब कुछ। मैं सिर्फ बातचीत करना पसंद करता हूं। वैसे भी मैं सब्जियां या चिकन खरीदने नहीं जा रहा हूं, मैं उन सभी के साथ सौदेबाजी करता हूं और फिर उन्हें कुछ पैसे देता हूं और चला जाता हूं। उस समय के लिए जो मैंने लिया था, बस मोल भाव कर रहा था, कुछ खरीदा नहीं, क्योंकि मेरे पास इन्हें खरीद कर रखने के लिए कोई जगह नहीं है। तो इस तरह एक दिन मैं बेंगलोर शहर की सब्जी मंडी में हूं। फिर मुझे वहां एक आदमी बैठा दिखाई देता है जो सब्जियां बेच रहा है, जो चमक रहा है। मैं बस उसे देखता हूं, हे भगवान, ये व्यक्ति सब्जी मंडी में क्या कर रहा है? वो सिर्फ मेरी तरफ देखता है, हमारी आंखें मिलती हैं, एक दूसरे को एकटक देखना। फिर वो जोर से हंस पड़ता है, मैं भी हंस पड़ा। फिर मैं उसके पास गया और कहा कि तुम यहां क्या कर रहे हो? और उसने कहा, आओ आओ। उसने अपनी छोटी सी सब्जी की दुकान खोली और मुझे बैठने को कहा। सो हम दोनों दुकान में बैठ गए। फिर वो मुझे अपनी कहानी सुनाता है। वो अपना सामान्य जीवन बिता रहा था, पत्नी और दो तीन बच्चे और जो कुछ भी वो कर रहा था। एक दिन वो बीमार पड़ गया, फिर इतना बीमार कि उन्होंने उसे एक सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती कराया। उन्होंने उसे वहीं छोड़ दिया। हर दिन वे सोचते थे कि वो मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरा। हर दिन वे सोचते थे कि वो मर जाएगा, लेकिन वो नहीं मरा। दो तीन महीने बीत गए, अस्पताल में कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने उसे बाहर गलियारे में डाल दिया, क्योंकि ये आदमी न तो जीता है न ही मरता है। तो लगभग 3 महीने बाद उसकी पत्नी ने आना बंद कर दिया। उसने अपना धैर्य खो दिया। कब तक आओ और उसके साथ बैठो, ये बंदा न तो जी रहा है न ही मर रहा है। 4 महीने से थोड़ा अधिक वो अस्पताल के गलियारे में वहीं पड़ा रहा। कोई उस पर कुछ जूठन फेंक जाता था और उसे पता नहीं चलता था। हर दिन वो सोचता था कि आज वो मर जाएगा, लेकिन अगले दिन सुबह ठीक हो जाता था। फिर वो सोचता था कि वो मर जाएगा। इसी तरह से चलता रहा। 4 महीने बाद धीरे धीरे वो ठीक हो गया, लेकिन इस बीच उसके साथ कुछ शानदार हुआ। सब कुछ मानो हवा के झोंके की तरह उड़ गया। हर दिन वो सोचता था कि आज उसका आखिरी दिन है, और फिर वो एक देदीप्यमान शाइनिंग ब्लिसफुल ह्यूमन बीइंग, आनंदमय मनुष्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। फिर वही सब्जी बेचने के लिए वापस। पत्नी गई, बच्चे गए, सब चला गया। सबसे बड़ी बात, वो चला गया है। सिर्फ 4 महीने तक नश्वरता के संपर्क में रहने के कारण उसने ऐसा किया। यह महत्वपूर्ण है। आपको, आप जो हैं, उसकी नश्वर प्रकृति के संपर्क में रहना चाहिए। ये एक विचित्र बात लगती है। ओ, वो मौत के बारे में बात क्यों कर रहा है? हम जीना चाहते हैं। आप जो नहीं समझ पा रहे हैं, मैं अभी ये कह सकता हूं कि आप जीवित हैं, या मैं ये भी कह सकता हूं कि आप मर रहे हैं। आप वास्तव में मर रहे हैं। एक दिन ये प्रक्रिया पूरी होगी। आया ना? हेलो, देयर जस्ट टू वर्ड्स फॉर द सेम थिंग, इजंट इट? ये एक ही बात के सिर्फ 2 शब्द हैं, है ना? अभी हम धीरे धीरे मर रहे हैं, ये एक दिन पूरा होगा। आज ये चालू है, ये चालू है या नहीं? आज मरने की क्रिया जारी है या नहीं? ये जारी है। तो जिसे आप जीवन कहते हैं और जिसे आप मृत्यु कहते हैं, वे 2 अलग चीजें नहीं हैं। ये एक साथ घटित हो रही है। यदि आप इसके प्रति सचेत हो जाते हैं, तो जीवित होने की सभी जबरदस्त संभावनाएं आपकी बन जाएंगी।